गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. टुडे सेवेंथ क्लास एंड द न्यू चैप्टर इज हियर, एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट. तो वेदर और जो क्लाइमेट होता है ये क्या है, आपको पहले बताया था. जो वेदर है एक स्पेसिफिक एरिया की बात करता है, एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता है, उस समय का मौसम कैसा है. वेदर इस चीज को दिखाता है, एक पर्टिकुलर टाइम है, 2 बजे, 3 बजे, आज कल मौसम कैसा है. और क्लाइमेट किसी एक लंबे एरिया की बात करता है जहाँ पे कई एक लंबे टाइम पीरियड तक वहाँ पे उस तरीके का मौसम हमेशा बना रहता है. ठीक है, तो ये आपका वेदर है और क्लाइमेट का डेफिनेशन है. फिर मैं बोल रहा हूँ वेदर इज वेरी स्मॉल पार्ट, किसी भी समय बदल सकता है, 1 बजे 2 बजे किसी भी टाइम पीरियड की बात करते हैं वेदर होता है. क्लाइमेट एक लार्ज स्केल पर बात होती है, वो सालों सालों का भी हो सकता है, महीनों महीनों का भी हो सकता है. ठीक है, फिर बात करते हैं एलिमेंट्स. एलिमेंट्स यानी वेदर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से. तो सबसे पहला एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है, यानी एटमॉस्फेयर जो है आपका उसके अंदर प्रेशर होता है. प्रेशर क्या होता है, प्रेशर किसी चीज को पुल करता है, पुश करता है. तो जब जब एटमॉस्फेयर में प्रेशर होगा, और प्रेशर कहाँ से आएगा, वो एयर का प्रेशर होता है. जब जब एयर का प्रेशर बढ़ेगा तब तक चेंजेस होंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हीट जोन एक टॉपिक है यहाँ पे, आपको हीट जोन को समझना होगा. ठीक है, हीट जोन क्या होता है, जैसे हमारा अर्थ है, ये आपका ठीक है इक्वेटर है, ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है. इस एरिया को फ्रिज जोन कहा गया है, टोरिड जोन एंड टेम्परेट जोन. ठीक है, ये टोरिड जोन है और ये टेम्परेट जोन है. ठीक, तो सन की रेज सीधे यहाँ पे पड़ती है, ये दोनों इलाके ठंडे होते हैं, जो आपका नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, इसको फ्रिज जोन कहा जाता है. इसको आर्कटिक सर्कल का नाम दिया जाता है, और इसको एंटार्कटिक. और ये वो बच गया, यानी जो सबसे ज्यादा गर्मी यहाँ पे होती है, उसके बाद ये बनता है ट्रॉपिकल, जो कैंसर है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिकल एरिया बन जाता है, टोरिड जोन, टेम्परेट जोन. ठीक है, ये टेम्परेट जोन हो गया, ये टोरिड जोन हो गया. तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा सिस्टम यहाँ पे बनता है. तो इसी के थ्रू प्रेशर बनता है, जाहिर सी बात है, सन जहाँ पे आएगा उसके बाद प्रेशर एग्जर्ट होकर ऐसे ही जाएगा ना. तो इस तरीके की चीजों को आप देखेंगे बुक के अंदर, तो यू विल इजीली आइडेंटिफाई. फिर लैटिट्यूड एल्टीट्यूड, हाइट कितनी, किस ऊंचाई पे है अर्थ से. ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिस्टेंस फ्रॉम सी, समुद्र से कितनी ऊंचाई पर हुआ. तो उसके हिसाब से आपको पता है कि सबसे ज्यादा प्रेशर आता है, सन की रोशनी पड़ती है तो कहां से आती है, सी से. तो वहां से प्रेशर कितना आपके ऊपर जा रहा है, ये इफेक्ट कर रहा है आपके एटमॉस्फेयर को. फिर विंड्स, हवा, हवा कितनी तेज चलती है, किस स्पीड से चलती है, ये भी आपको क्या करता है, प्रेशराइज करता है. ओशन करेंट, जो समुद्र की लहरें हैं वो लगातार बहती रहती हैं, तो उसका भी करंट का इफेक्ट आता है. फिर है टेम्परेचर, जितने ज़्यादा टेम्परेचर होगा इवोपरेशन उतना ही ज़्यादा होगा, और उतना ही ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा, कम होगा तो टेम्परेचर भी अपना रोल प्ले करता है. ठीक है, और इस तरीके से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में जब पढ़ते हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे को क्या करती हैं, हमारे क्लाइमेट और वेदर को कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हुए दिखाई देती हैं. तो इन चीज़ों को हमने डीपली पढ़ना है. इसमें बहुत सारे टॉपिक्स इंटरवली हैं, मैंने आपको ऊपर से बताया, बुक्स के अंदर बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है. तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनके छोटे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे. थैंक यू.